तो आजकल के टाइम की बात करें तो इस टाइम हर इंसान जो है परेशान है, काम बंद है, फाइनेंसेस की वजह से परेशान है, कोविड की वजह से परेशान है, बीमारी की वजह से परेशान है। सो इस टाइम पर मेंटल हेल्थ जो है वो एकदम से हिली पड़ी है सबकी। सो उसके लिए बेसिकली आज मेरे साथ है पल्लवी खन्ना जी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और वेबिनार कराते हैं, सेशंस लेते हैं, फ्री सेशंस लेते हैं, लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम रेडियो सिटी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक सो यू सो सबसे मच पहले प्रीता। जी, सबसे पहले मैम आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ कि कैसी प्रॉब्लम्स लोग आजकल फेस कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। आपसे लोग कंसल्ट कर रहे हैं आजकल, तो कैसी सी प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं? सबसे पहले है श्वेता कि जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट है और जो अननोन है, तो अनसर्टेन और अननोन के साथ एंजाइटी बहुत आती है। जी जब आप किसी नोन सिचुएशन में है, फेमिलियर सिचुएशन में है, आपको पता है कि क्या होने वाला है, जी आपको पता है कि आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, जी तो तब तब आपका माइंडसेट थोड़ा रिलैक्स्ड रहता है। आपको मालूम है कि क्या रिस्पॉन्स आपसे एक्सपेक्टेड है। जो जो पैंडेमिक की सिचुएशन रही है, इसमें अगर हम 1 साल से देखें, लगभग 1 साल से ज्यादा ही हो गया है, तो हमें यही नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। इनफैक्ट लोगों से भी अब दूर रहने लग गए हैं, सबसे ज्यादा सही फ्रेंड्स है कैसे कि यही है। अफोर्ड। हाँ, हाँ, इवन ऐसा टाइम और है कि अपने फैमिली मेंबर से डर लगने लग जाता है कि कोई बाहर से आया है, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है। सो एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। सो इसके बीच में अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, स्कूल कॉलेजेस पिछले साल भी बंद थे, इस साल भी बंद है, तो अब तो बच्चों की भी बस हो चुकी है। सो बच्चे किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? बच्चों के साथ जो हुआ है, सबसे पहले है कि उनका जो रूटीन है वो अपसेट हुआ है। ना उनका उठने का टाइम है ना सोने का टाइम है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को फोन कर रहे हैं कि हम क्या करें, बच्चे सोते ही नहीं है, 2, 3, 4 बजे सुबह सो रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, वो नींद नींद में अपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं कितना नहीं समझ रहे हैं। तो ओवरऑल उनका पूरा रूटीन डिसरप्ट हो गया है, उनकी लर्निंग डिसरप्ट हो गई है। स्कूल ना जाने की वजह से, सोशल इंटरेक्शन और ह्यूमन इंटरेक्शन ना होने की वजह से, प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट ना मिलने की वजह से, बिल्कुल तो उनके कोई ना कोई एक स्किल डेफिसिट बहुत बड़ा रहने वाला है काफी टाइम के लिए। स्कूल और कॉलेज हम इसलिए जाते हैं कि हम सोशल ट्रू। हम सोशल बीइंग्स हैं, हमें हमारी सोशल नीड्स हैं, उन सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम स्कूल और कॉलेज जाते हैं, और बहुत बड़ी लर्निंग है उसमें से। सो पल्लवी जी, इन सब से स्टूडेंट्स कैसे डील करें? जब लॉकडाउन हुआ था तभी मैंने स्कूल्स में वेबिनार्स किए थे, मैंने बच्चों को यही बोला था कि अपना रूटीन ही चेंज करो, सोने का रूटीन, उठने का रूटीन, पढ़ने का रूटीन। जहां तक सवाल है सोशल इंटरेक्शन का, तो आप जूम कॉल्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करिए, शेयर करिए, मिलिए, फोन कॉल्स के द्वारा करिए। फिर लेकिन ओवर भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ, हम देख रहे हैं, एडिक्शन टू गैजेट्स। फिर उसको भी एक टाइम पे वो बंद करें और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर फैमिली की बात और करें तो पेरेंट्स का भी अपना रूटीन जो है वो एकदम से चेंज हो चुका हुआ है। लॉकडाउन है, कभी कर्फ्यू है, सो स्टेबिलिटी सी नहीं आ रही है रूटीन में। सो आई थिंक उसकी वजह से अगर पेरेंट्स ही रूटीन में नहीं होंगे तो बच्चे तो सफर करेंगे करेंगे। और फिर जिनके घर में कोई ना कोई ऐसी लॉस हुई है, जिसमें कोई फैमिली मेंबर या तो हॉस्पिटल में है या किसी की डेथ हुई है, तो वहां पे सबकी ही सिचुएशन इज वेरी वेरी बैड, बिकॉज ऑफ द सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस। जो इमोशनल सपोर्ट इस टाइम पे चाहिए। लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करा के दे रहे हैं, खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, हर तरह से इस तरह की हेल्प कर रहे हैं। पर आप जो ये कर रहे हैं काबिले तारीफ है, ये भी बहुत जरूरी है इस टाइम पर मेंटली, क्योंकि लोग सपोर्ट। इस टाइम पर बहुत हिल चुके हुए हैं। सो मेंटल हाइजीन की अगर बात करें तो उसके लिए हम क्या करें? सी ऑल ऑफ अस, आई वुड से, अगर हम इमोशन डिस्क्राइब करें जो आजकल के माहौल में है, दैट इज अ फीलिंग ऑफ, एज आई स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग, अननोन एंड अनसर्टेन। सो यू फील ओवरवेल्म्ड, जैसे अगर आप बहुत कुछ सोचते रहो क्या होने वाला है, कैसे हम करेंगे, कैसे कोप करेंगे, जॉब चली गई है तो कब नई जॉब मिलेगी, है ना। हर थॉट जो है उसका एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। अगर अभी मैं कुछ बुरा सोचना शुरू करूं अपने फ्यूचर को लेके, तो वो स्नोबॉल इफेक्ट होके बहुत बड़ा हो जाएगा। वो बड़ा होके फिर उसकी वजह से ना नींद ठीक से आएगी, ना भूख लगेगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हम अपने फैमिली मेंबर्स पे चिल्लाना शुरू करते हैं, फिर हम एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू करते हैं,
वैसे ही रहे जैसे पैंडेमिक से पहले हमारा रूटीन था, बस फर्क इतना है कि आज हम अंदर हैं, पहले हम बाहर घूमते रहते थे, एंड वो भी दिन जरूर जल्दी आएंगे। हाँ, तो जैसे कि कहा गया था बहुत पैंडेमिक की शुरुआत में कि पहले हम बाहर घूमते थे, अब हम अंदर जा रहे हैं। तो अंदर जाइए, अपने आप को जानिए, है ना, और डिवेलप योरसेल्फ। आई फील देयर इज अ लॉट टू डू, लॉट ऑफ रीडिंग यू कैन डू, लॉट ऑफ लर्निंग यू कैन डू, लॉट ऑफ सो मेनी फ्री कोर्सेज अवेलेबल दैट आर हेल्पिंग पीपल एंड हैंड स्किल्स, लर्न गार्डनिंग, कुकिंग, एनीथिंग, लर्न अ क्राफ्ट। एक अच्छे डायरेक्शन में अपने थॉट्स ले जाइए। अगर हम बुरा सोचेंगे देन इट्स हमारी मेंटल स्टेटस के ऊपर उसका असर पड़ेगा, एंड देयर इज नो पॉइंट मेकिंग योरसेल्फ वर्क्ड अप एंड एंग्शियस। So, पल्लवी जी, आपके साथ लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप वेबिनार करा रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं, सो मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा उसके बारे में बता दें ताकि आपसे लोग कनेक्ट कर सके। सेज एडवाइस जो ऑर्गेनाइजेशन हमने को फाउंड किया था एट द बिगनिंग ऑफ द पैंडेमिक, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है फॉर काउंसलिंग पर्पसेस, एंड अब हम बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक वी आर ऑफरिंग फ्री वेबिनार्स फॉर एवरीबडी टू ज्वाइन इन। सो टुमारो 8 मई एट 5 PM is a webinar on dealing with grief during COVID times. For that, all they have to do is log into events/sageadvice.in, then www.sageadvice.in. Register, they will get a email and they can join in to the free webinar tomorrow, which starts at 5 PM. इसके 15 मई को एक और webinar है जिसमें हम ये सीखेंगे कि अपने परिवार में सुख शांति कैसे बनाए रखें। लॉकडाउन में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, हमें हम लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग वी आर नॉट फीलिंग अंडरस्टूड, क्योंकि आप लोग घर में तो बहुत सारे जने हैं, लेकिन इमेजिन कि आप अपने फैमिली के साथ हो लेकिन फिर भी अकेला महसूस कर रहे हो, बिकॉज यू फील नो वन अंडरस्टैंड्स यू। तो सो वी आर एंग्जायटी है, एक एंग्जायटी बहुत अंदर से खा जाती है, यू नो, व्हेन यू Nobody loves you, you feel neglected, you feel nourished in your relationships. So, and of course, our helplines are always open. So, please reach out to us and we are glad to help you. Thank you so much, Palviji. Thank you very much. Thank you, Shweta. It was a pleasure talking.